हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहन लाल, और आज बेसिकली मैं आप लोगों के लिए हेल्प टॉक लेकर आया हूँ, शॉर्ट हेल्प टॉक। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप हेल्दी पैटर्न बनाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, किस तरह से आप अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी घटना होती है, यानी कोई भी इवेंट होगी, तो 110% इट इज श्योर कि उसकी कोई इमेज होगी आपके पास, उसकी कोई साउंड होगी, उसकी कोई फीलिंग्स होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए एक इवेंट उठाते हैं जहां पे आपकी शादी हुई हो, तो शादी की जरूर आपके पास कोई ना कोई इमेज होगी। यानी जब आप घोड़ी पे चढ़े होंगे, आपके रिलेटिव्स ने डांस किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने डांस किया होगा, आपने वरमाला पहनाई होगी या फिर आपने रिंग्स पहनाई होगी, ये सब चीजें आपके पास एक वीडियो के रूप में आपके पास होंगे। हो सकता है आवाज भी हो आपके पास, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो मंत्र पंडित पढ़ रहा है वो आवाजें आपके पास आज भी होंगी, आपके पेरेंट्स ने उस वक्त कुछ बोला होगा वो आवाजें आपके पास आज भी होंगी, शहनाइयों की आवाज भी आप सुन सकते होंगे, तोल नकाशे की भी आवाज सुन सकते होंगे, ये आवाजें आपके पास होंगी। और आपके पास फीलिंग्स भी, ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा गहरी यानी जितनी ज्यादा अच्छी आपकी ये ऑडियो और विजुअल्स होंगी, उतनी ही स्ट्रांग आपके पास आपकी फीलिंग्स भी होंगी। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यही फीलिंग्स हैं, इन्हीं फीलिंग्स की वजह से आपका बिहेवियर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपके घर में आपका बच्चा रो रहा है, आपके घर के अंदर आपका बच्चा परेशान है। अब ध्यान सुनिएगा इस बात को, आपका बच्चा परेशान है, उसने 10 दिन से खाना नहीं खाया, अगर 10 दिन तो खो छोड़ो, 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो आप क्या चुपचाप बैठ सकते हैं? नहीं, अब आप कुछ भी ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से वो खाना खाए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपके बच्चे के लिए है, आप उसके साथ एसोसिएट हो। हजारों लाखों करोड़ों बच्चे सड़क पे भूखे सो जाते हैं, उनके लिए तो आप बिल्कुल फीलिंग है ही नहीं। आपके पास कॉन्शियस अवेयरनेस, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कॉन्शियस जानकारी है लेकिन आपके पास उसकी फीलिंग्स नहीं है। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो हम सभी लोगों की लाइफ के अंदर होती है। जब भी मैं आप लोगों से सब बात करता हूं कि कॉन्शियस अवेयरनेस की, हम लोग अपने जीवन के अंदर कभी भी, आपको पता है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? उसका कारण होता है क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस तो होती है, हमारे पास फीलिंग नहीं होती है। आप समझिए इस बात को, अगर आपके पास एक कॉन्शियस अवेयरनेस को क्रिएट करिए, अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी अपने पैटर्न को बनाना चाहते हैं, तो हमेशा एक आपने क्या करना है, एक फ्रेम बनाना है। एक फ्रेम बनाना है किस चीज का, एक अवेयरनेस का, कि मेरा कितना वेट होना चाहिए, मेरी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, मेरा शुगर लेवल कितना होना चाहिए, आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस से आप बनाएंगे। अब उसके बाद होता है एक फीलिंग्स। एग्जाम्पल, फीलिंग का मतलब है कि क्या वाकई में आप चाहते भी हैं पतला होना, या उसके बाद भी आपका कैजुअल सा है। यही कारण है आप लोग जब भी कोई जंक फूड खा रहे हैं, खाना भूख नहीं भी है तब भी कुछ खा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप लोग बोलते हैं कि सर हमारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं लेकिन हम नहीं पाते क्योंकि आपका फीलिंग्स नहीं है, पता है जैसे आपका फीलिंग आएगी, जैसे आप अपने विजन को बड़ा करते हैं ना, आपकी रातों की नींद भी खत्म हो जाती है। आप 3 या 4 या 5 घंटे के अंदर ही आपको लगता है कि कितना कम समय मेरे पास, मैं सारी चीजें अपनी पूरी करूं। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने पैशन पे काम करते हैं और उसको लेवरेज करते हैं। कभी भी आप लोग देखा है जब ऑफिस में काम करते हो तो आप एक मोनोटोनस काम कर रहे होते हैं, आपके अंदर बोर्डम आ जाता है, यानी आप सिर्फ सुबह उठोगे, जाओगे, शाम को आओगे, 30 तारीख को सैलरी आ जाएगी और इसी में आपकी लाइफ चलती रहेगी। यानी माइंड के पास कुछ भी नया नहीं आ रहा है और न्यूनेस नहीं आने की वजह से वो आपको यहां पे पैटर्न को क्या करेगा, आपको बीमार करेगा। तो जब भी कभी आपको हेल्दी पैटर्न चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अवेयरनेस को यहां पर क्रिएट करिएगा और अपनी फीलिंग्स को यहां पर क्रिएट करिएगा। चीजें होता क्या है, हमारे पास अवेयरनेस बहुत सारी होती है, हमारे पास फीलिंग नहीं होती है, और जब फीलिंग नहीं होती है इसी की वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। इस पैटर्न को आप लोगों ने अपने चेंज करना होगा। अगर आप चेंज किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो यहां पर आप लोगों को सबसे बड़ा लाइफ के अंदर इश्यू आना ही आना है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं है। आप इस एग्जाम्पल की तरह समझिए, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस बहुत होते हैं, और बहुत से ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जिनकी लाइफ के अंदर रिसोर्सेस बहुत होते हैं, राइट? अब होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों की लाइफ के अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं और रिसोर्सेज उनकी लाइफ के अंदर आपको कम मिलते हैं, उन लोगों की लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल होती है, राइट? वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, समझ नहीं आ रहा हम कैसे अपना घर चलाएं, कहां से पैसे लाएं, कैसे वो करें, उनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत है। मुझे डायबिटीज हो चुकी है, मुझे दुनिया भर की जान की बीमारी है, मैं कैसे जीऊंगा, मैं ठीक ही नहीं हो सकता, मुझे कोई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर सकता, यानी चैलेंजेस बहुत सारे। रिसोर्सेज, इसका उल्टा भी होता है, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनके पास चैलेंजेस नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां पर वो बोर्डम की लाइफ लीड करते हैं, यानी करें क्या, समय समय है, पैसा ही पैसा है, सब कुछ है हमारे पास, हम करें क्या। तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, दोनों ही व्यक्तियों की आदतें खराब होती हैं। आप रात को शाम को इन दोनों के ही पैटर्न को आप देख सकते हैं। खुशहाल व्यक्ति पता है कौन होता है, खुशहाल व्यक्ति होता है जो इस वाले पैटर्न के अंदर आते हैं,
यानी जिनके रिसोर्सेज और चैलेंजेस इक्विवेलेंट होते हैं। अगर आप लोगों की लाइफ के अंदर चैलेंजेस आपके बहुत ज्यादा चल रहे हैं, किसी वजह से मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर आपके चैलेंजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो आप आइए एनएलपी सीखिए और अपने रिसोर्सेज को इस तरह से कैसे बढ़ा सकते हैं ये आप लोग सीखेंगे। अगर आप लोगों के रिसोर्सेज आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा है और चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं है, तो किस तरह से आपके गोल्स को बनाया जाता है ताकि आपके रिसोर्सेज और चैलेंजेस जो है इक्विवेलेंट हो जाए, ये मैं आप लोगों को सिखाता हूं बेसिकली अपनी वर्कशॉप के अंदर। लाइफ में आपको तीन लोग हमेशा रुक जाएगी, हमारी गाड़ी जो है हर तीन स्टेप के बाद हमेशा रुक जाती है। पहला, जब हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है, यहां पर हमारी एक जिंदगी खत्म हो जाती है। जब डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका ठीक होना पॉसिबल नहीं है, जब आपकी सोसाइटी आपको बोलती है कि आपके लिए पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम जब आप अपने बच्चों से कहते हो कि तुमसे ये काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए, ये पहली ऐसी सीढ़ी होती है जहां पर हमारा पूरा का पूरा इनर सेल्फ इमेज यानी हमारा जो मोटिवेशन होता है हर तरह से हम यहां पर अपने खत्म कर देते हैं। तो पहला, हमारी जिंदगी के अंदर हमारी जो चीज रुक जाती है वो इसलिए क्योंकि हम मान लेते हैं कि चीजें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा ट्रेंड होता है यहाँ पे, जब हम किसी वजह से अपने इस पॉसिबल की ट्रेंड को जब हम ऊपर लेकर आते हैं, तो दूसरा हमारे पास इम्पैक्ट जो पड़ जाता है, जो फंसते हैं हम लोग, वो हमेशा हम लोग फंसेंगे कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है। क्या मतलब हुआ? हम चीजों को डिजर्व नहीं करते हैं। हम क्या इसके लिए कैपेबल हैं? क्या हम इस चीज के लिए डिजर्व करते हैं? क्या हम बड़ी गाड़ी, देखो एबिलिटी का मतलब क्षमता, कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता है या नहीं, हम वहां फंस जाएंगे। और इससे अगर आपने किसी तरह से इस पैटर्न को तोड़ा और अपने तीसरे पैटर्न के अंदर आए, तो वहां पे आपका सिग्निफिकेंस यानी आपके वर्दीनेस की, आपका तीसरा पैटर्न आपका होता है वर्दीनेस का। अगर ये वर्दीनेस का पैटर्न आपके पास नहीं है, आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, हेल्दी होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कि आपके लिए जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कितने ज्यादा वर्दी हैं, कितनी ज्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट है, कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है आप इस दुनिया के अंदर, तभी ये माइंड आपको सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं होगा तो ये आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपको इन तीन एरिया के अंदर आपकी जिंदगी को हमेशा वो रोक देगा और यहीं से आपको बीमारी लाना शुरू कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा अपनी टीचिंग से मैं लोगों की यही हेल्प कर रहा हूं, उन्हें बता रहा हूं, उनको यही समझा रहा हूं और उनके साथ यही लगा रहता हूं कि हमेशा ध्यान रखिए अपने पैटर्न को ब्रेक करना सीखिए। मेरी सारी टेक्निक्स को जब आप लोग सीखते हैं तो आप लोग खुद देखेंगे अपनी लाइफ को कितना आप बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। मेरे हर शहर के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरे जो है वो रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड के मेरे प्रोग्राम्स होते हैं एनएलपी के, आप लोग आ सकते हैं, सीख सकते हैं मेरे साथ। और जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो लोग गूगल पे भी मेरे नाम सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी मेरे चैनल पे यानी जो नितिन मोहन लाल का है वहां पे 250 से ऊपर वीडियोस हैं, आप लोग वहां पे भी आके मेरे एनएलपी की और दूसरे स्पिरिचुअल मॉडलिटीज की भी वीडियोस देख सकते हैं। आप सभी लोगों का जो इतना प्यार मुझे मिलता है, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।